हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्नैक, जो कि बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आती है। चलिए इसे बनाते हैं। हमने लिए 5 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे हमने ग्रेट करके पानी में रख लिए, जिससे उकाली ना पड़े। चलिए इसे बॉईल करते हैं। बस बॉईल करते समय हमें इसे 5 से 6 मिनट ही पकाना है। हमारे पोटैटो बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेट करने के लिए क्या आप कोई बारीक वाला ग्रेटर ही लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पोटैटो ग्रेट हो चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मिक्स हर्ब। आप चाहे तो कसूरी मेथी भी ले सकते हो या ऑर्गेनो भी ले सकते हो। साथ ही ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी ले सकते हो। वन टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। टू टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर। टू टेबलस्पून मैदा। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैदा आप अपने हिसाब से ले लें, जिससे कि आपको गीला लगे तो इसमें और ऐड कर सकते हो। अब इसमें ऐड करते हैं नमक और इसे हल्का सा हल्के हाथ से लगाकर डो के फॉर्म में बना लेंगे। एक आपको कुछ इस तरह से डो बना लेना है। ये देखिए हमारा डो बन चुका है। अब हम हाथों में ऑयल लगा लेंगे, जिससे ये चिपके ना। अब बनाते हैं। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं इसे। तरीके से बनाना है। आपको किसी पार्टी के लिए या किसी गेस्टों के लिए बनाना है तो इसमें ऊपर से ब्रेड क्रम लगा के इसे फ्रिज में रख दें। फिर जब आपके गेस्ट आ जाएं या फिर पार्टी में आपको देना हो, सर्व करना हो, तब इसे फ्राई करके दे सकते हैं। ये देखिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हमने सेब बना लिए हैं। अब इसे फ्राई करेंगे हम। ऑयल आपका मीडियम हीट हो जाए जब इसे फ्राई करना है। और इसे बीच बीच में चला चला कर, पलट पलट कर फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं पोटैटो स्नैक। इसे इस तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसी तरीके से हम और भी डाल लेंगे। इसी तरीके से इनको भी फ्राई करना है। बस गैस फ्लेम मीडियम रखें, जिससे इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। और इसे पलट पलट कर ही चलाना है।
शाम की चाय के लिए बेहतरीन ऑप्शंस है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं ये। पटेटो स्नैक को बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं और ये जल्दी भी बन जाते हैं। बस ध्यान रखना है कि पटेटो हमारे ये थोड़े से रॉ बॉयल हो। अब हमारे पटेटो स्नैक रेडी हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं हम। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है। और इसे सब करना है आपको मेयोनीज या केचप के साथ या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो आप, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही क्लिक कीजिए बेल आइकन को, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके कोई भी कमेंट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।